एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी योर सिक्स्थ क्लास ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर योर झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक छोटे टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है, TLM इसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री कहेंगे। और इससे आपके क्वेश्चंस बने हैं एंड वो क्वेश्चंस आप यहाँ देख भी सकते हो। 2023 में आपके दो क्वेश्चन बने हैं, 2022 में एक क्वेश्चन बना है। मतलब डेफिनेटली यहाँ से हम लोग आशा कर सकते हैं कि एक से दो क्वेश्चन हमारा बन सकता है इस बार के पेपर में भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड। ठीक है, तो ये हमें पता रहे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें प्रोजेक्टेड एड का पता होना चाहिए कि आखिर प्रोजेक्टेड एड किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप ही लोगों को बनाना है। लास्ट में आई गिव यू सम अदर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस आल्सो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प ब्लैंक्स स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, अब ऑडियो विजुअल एड्स भी हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। एंड 2022 का क्वेश्चन ये था, शिक्षण सहायक सामग्री के समूह या श्रेणी में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जाता है, ब्लैक बोर्ड को किस में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, आखिर ये होते क्या हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या समझ आया, शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको हम सरल बनाने के लिए, रोचक, ठीक है, कि बच्चों का इंटरेस्ट इसमें आए, ठीक है, उसे आकर्षक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ साधनों या माध्यमों का प्रयोग करते हैं, जैसे मॉडल्स के थ्रू पढ़ाना, चार्ट पेपर के थ्रू पढ़ाना। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा TLM है। ठीक है, TLM क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री। और इससे क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना सरल हो जाता है, बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है और आकर्षक भी बन जाता है, ये शिक्षण का जो प्रक्रिया है। ठीक है, उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल दैट इज यूज्ड टू फैसिलिटेट टीचिंग। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेस को जो फैसिलिटेट करे, ठीक है, सुविधापूर्ण बनाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, TLM कहते हैं। और किस तरह से ये सुविधापूर्ण बनाता है, बाय मेकिंग इट ईजी, इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, ये ईजी भी बनाता है, जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमें पढ़ाना है, उसे ईजी बनाता है बच्चों के लिए, इंटरेस्टिंग बनाता है और अट्रैक्टिव भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि TLM आखिर क्या होते हैं। तो यहाँ से आपके डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बस आपको दे दिया जाएगा कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल रोचक आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि आखिर इन TLMs का यूज़ करने से क्या लाभ होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ TLMs। ठीक है, तो TLMs के लाभ क्या हैं, इट मेक्स लर्निंग, ये शिक्षण या सीखने की अधिगम की प्रक्रिया को क्या बनाता है, इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर बनाता है, फिर ईजी बनाता है, ईजी मतलब आसान बनाता है, मोटिवेट स्टूडेंट्स। ठीक है, TLM का जब हम यूज़ करते हैं तो बच्चों में एक अलग एक्साइटमेंट आ जाती है। ठीक है, मॉडल्स के थ्रू अगर उन्हें पढ़ाएं, चार्ट पेपर के थ्रू पढ़ाएं, अगर हम क्लासरूम में अगर हमें इतिहास पढ़ाना है तो ग्लोब लेकर के जाएं, या फिर साइंस पढ़ा रहे हैं तो कोई प्रोजेक्ट वर्क उन्हें प्रोवाइड करें, तो इससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट बनेगा और प्लस मोटिवेट भी होंगे वो पढ़ने के लिए। ठीक है, और क्या करता है, ये लर्निंग को, अधिगम को इफेक्टिव बनाता है, प्रभावी बनाता है, बच्चे अच्छे ढंग से क्या कर पाते हैं, सीख पाते हैं, परमानेंट बनाता है। ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे बच्चों को, ठीक है, अगर हम TLMs के थ्रू पढ़ाते हैं तो उनमें क्या होती है, लॉन्ग रिटेंशन ऑफ मेमोरी होती है, जो स्मृति है उनकी वो अस्थाई होती है वो। ठीक है, अगर हम मॉडल्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि बच्चों को वो ज़्यादा याद होगा, अधिक याद होगा। अगर हम सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं जा करके क्लास में, ठीक है, अगर TLMs का बिल्कुल यूज़ हम नहीं करते तो क्या होगा, वो टॉपिक पढ़ने में समझने में बच्चों को क्या होगी, परेशानी होगी, और कुछ दिनों के बाद बहुत ही जल्द क्या होंगे, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस सेंस में हम बोल रहे हैं कि ये क्या करता है, स्थायी स्मृति देने का भी कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक को क्या बनाता है, ईजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। डिफ़िकल्ट टॉपिक कोई कठिन टॉपिक है तो उसे समझने में बच्चों के लिए क्या बनाता है, आसान बनाता है। तो ये सारा क्या है, हमारा TLM के लाभ है। ठीक है, एक TLM का लाभ और होता है कि बच्चों में रिक्रिएशन की भावना लाता है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई मॉडल उन्हें दिखाया तो वो भी उस चीज में रुचि दिखाएंगे कि इस तरह का मॉडल और किस किस का बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, और उन लोगों का क्या होगा, रिक्रिएशन क्रिएटिविटी भी क्या होगी, बढ़ सकती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ TLMs हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि गुड TLM क्या कैसा होना चाहिए, एक TLM को कैसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो अट्रैक्टिव होना चाहिए
चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि देख करके बच्चे लोग को बोरी अच्छा लगे। मतलब अगर हम कोई मॉडल बना रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंट कलर्स का हम यूज़ करें, ठीक है, जिससे कि वो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लोग यूज़ करें वो क्या हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जो हम TLM बना रहे हैं वो बच्चों को समझ भी आना चाहिए। बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोई TLM हम ना बनाएं, जो बच्चों का लेवल है उसके अनुसार बनाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईजी हैंडलिंग, ठीक है, वो हमारे उपयोग में भी एज अ शिक्षक जब हम उसे उपयोग कर रहे हैं तो ईजी हैंडलिंग हो, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, या फिर अगर उसे हम बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ्यूचर इंडेवर्स में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम कर पाएँ, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, हमारा TLM ईजी हैंडलिंग होना चाहिए, ठीक है, मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि हम क्लास में लेके गए और बच्चों को समझा रहे उससे और क्या वो बीच में ही टूट गया, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईजी हैंडलिंग होना चाहिए और स्टडीनेस होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए उसमें, ठीक है। फिर देखते हैं पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है। जो हम TLM जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेके जाएंगे वो क्या होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं कुछ उद्देश्य होना चाहिए उस TLM के ले जाने का, बस ऐसा नहीं कि बस बच्चों को हमें इंगेज कर दे रहे किसी तरह, वो नहीं होना क्या चाहिए कि जो हम TLM लेके जा रहे हैं, जो हमारी शिक्षण सामग्री है उससे बच्चों को जो पढ़ाना है हमें उसका उद्देश्य पूर्ण हो, ठीक है, अर्थपूर्ण और उद्देश्य पूर्ण दोनों होना चाहिए, ठीक है। TLM यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने दो तीन बातें डिस्कस कर ली हैं अब तक। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा कि शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या है, फिर हमने लाभ देखा, लाभ में हमने देखा कि किस तरह से लाभ पहुँचाता है TLM बच्चों को, उसके बाद गुड TLM कैसा होता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ TLM, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारा क्या बना है, क्वेश्चन अभी तक का बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए कि TLM के टाइप कितने होते हैं, तीन टाइप्स हैं, ठीक है, मेनली क्या है, तीन टाइप्स हैं और आपके क्वेश्चन यहीं से बने हैं, ओके। देखते हैं सबसे पहला क्या है, ऑडियो एड्स क्या होते हैं, श्रव्य, ठीक है, श्रव्य जिससे समझ ही आ रहा है कि सुनने से रिलेटेड है ये, ठीक है। सुनाई देने वाले जो भी एड्स हैं, जो भी सामग्री हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑडियो एड्स कहलाएंगे, ऑडियो एड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विजुअल एड्स, ठीक है, दिखने वाले, जिसको हम लोग बच्चों को दिखा करके कोई चीज़ समझाएं, ठीक है, तो जो भी विजुअल या दृश्य एड्स होते हैं, सामग्री होती है, उसे हम लोग कहेंगे विजुअल एड्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल जैसा कि नाम से समझ आ रहा है ऑडियो भी होगी और विजुअल भी होगा, देख बच्चे देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे, दोनों तरह से वो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हुआ कि ऑडियो क्या होता है, जिससे कि बस सुनने वाली जो सामग्री, विजुअल क्या हो गया, जिससे देख करके बच्चे सीखेंगे, ऑडियो विजुअल जैसे कि हम लोग टीवी देखते हैं या फिर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, स्क्रीन पर जो लिखा है उसे देख भी रहे हो और मेरी बातों को आप क्या कर रहे हो, सुन भी रहे हो, तो ये क्या हो गया, ऑडियो विजुअल हो गया, ठीक है। सेम गोज़ विद टेलीविज़न, टीवी हम लोग देखते हैं, ठीक है, या फिर बच्चों को हम स्मार्ट क्लास जो करवाते हैं जिसमें कि वॉइस भी आती है और विजुअल्स भी आ रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑडियो विजुअल में आ जाएगा, ठीक है। इनके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे, चलिए एंड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल किस तरह के बच्चों को हेल्प ज़्यादा करती है, ठीक है। जैसे ऑडियो जो एड्स हैं, ठीक है, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, सॉरी, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए ऑडियो एड्स क्या होंगी, बहुत ही अच्छी होंगी ना, ठीक है। और विजुअल एड्स किन बच्चों के लिए अच्छी होंगी, बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं, ऐसे तो सभी बच्चों को हम इस तरह से पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर विशेष तौर पर हम डिस्कस करें तो ऑडियो एड्स का हमने डिस्कस कर लिया, जो बच्चे देख नहीं पाते तो वो सुनने के द्वारा उनको सिखाया जा सकता है, ठीक है। विजुअल क्या हो गया कि जो क्या मैं बोल रही थी, जो बच्चे सुन नहीं सकते तो वो देख करके भी सीख सकते हैं, या फिर सभी बच्चों को भी हम लोग विजुअली तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड का हम जो यूज़ करते हैं वो भी क्या है, विजुअल एड्स में आता है, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। फिर ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन एक बना है कि ऑडियो विजुअल एड्स किस तरह के बच्चों को हेल्प करता है, ठीक है। तो उसमें आपका क्वेश्चन जो भी था, सॉरी, ऑप्शंस क्या क्या थे, प्लेफुल, कोई बच्चा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज है, ठीक है, और एक दिया हुआ था स्लो लर्निंग जो स्टूडेंट है, तो जो स्लो लर्निंग स्टूडेंट है उनको अगर हम लोग ऑडियो विजुअल दोनों तरीकों से पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे एड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ऑडियो और विजुअल दोनों इंक्लूडेड है, तब क्या हो जाएगा कि वो बच्चे अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। तो स्लो लर्नर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑडियो विजुअल बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, वो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, उससे क्या कर पाएंगे, वो बेहतर समझ पाएंगे। तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्लो लर्निंग स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि स्पेसिफिकली किसको किस तरह से ये हेल्प करता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे TLM की जो भी हमारे टाइप्स हैं उसे अच्छे से देख लेते हैं अब, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे और प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड प्रिंट इनको भी समझेंगे। पहला है हमारा, पहला देखिए
TLM को सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तीन टाइप्स में. पहला है हमारा ऑडियो श्रव्य, ठीक है, जिससे सुनने के बारे में हमने डिस्कस किया, जो सुन करके सीखा जा सकता है. ठीक है, सबसे पहला देखिए लिंगुआ फ़ोन. ठीक है, लिंगुआ फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए, प्रोनंसिएशन सिखाने के लिए लिंगुआ फ़ोन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो बस याद कर लेना है. फिर देखिए रेडियो, रेडियो से भी हम क्या करते हैं, सुनते हैं, तो रेडियो के थ्रू भी बच्चों को क्या किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है सुना करके कोई बात. ठीक है, अब पॉडकास्ट है. पॉडकास्ट आज के टाइम में कितना फेमस है ना, तो पॉडकास्ट हम लोग देख भी सकते हैं. ठीक है, और हम लोग ऐप्स में पॉडकास्ट सुन भी सकते हैं, तो पॉडकास्ट बच्चों को सुना करके भी कुछ चीज़ें सिखाई जा सकती हैं. ठीक है, और ग्रामोफोन, इसे भी ऐसे याद कर लेना है कि ऑडियो ऑडियो एड्स में क्या आएगा, ग्रामोफोन भी आएगा. ठीक है, तो ये चार हमने इंपॉर्टेंट ऑडियो ऑडियो एड्स को देखा. अब हम लोग देखते हैं विजुअल एड्स को. विजुअल एड्स जो हमें बच्चों को क्या करते हैं, हम दिखाते हैं और उसके द्वारा उन्हें सिखाते हैं. ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रिंट आता है. इसे भी तीन पार्ट्स में बांट दिया गया है. प्रिंट में ये आएगा. प्रिंट कहने का मतलब है जो चीज़ें मुद्रित होती हैं पन्ने पर, तो उससे जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो विजुअल हो गया. प्रोजेक्टेड क्या होता है, प्रक्षेपित. ठीक है, ये सब हम नीचे अभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे. यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं ऑडियो विजुअल एड्स को. ऑडियो विजुअल एड्स हमने अभी डिस्कस कर लिया, श्रव्य दृश्य दोनों इंक्लूडेड है. जैसे कि आप लोग देखिए कंप्यूटर हो गया, फिल्म, अगर बच्चों को कोई फिल्म दिखा रहे हैं. ठीक है, जैसे हमें आज़ादी उन्हें बतानी है कि देश को आज़ादी कैसे मिली, तो हम कोई मूवी उन्हें दिखा सकते हैं, या हमें महात्मा गांधी जी की क्या दिखानी है, बायोग्राफी दिखानी है, तो उन्हें मूवी दिखा सकते हैं. ठीक है, तो ये ऑडियो विजुअल एड्स में क्या क्या आ गया, हमारा कंप्यूटर आ जाएगा, फिल्म आ जाएगा, हमारा वीडियो डिस्क चलाना, फिर स्मार्ट क्लास जो ऑडियो विजुअल दोनों एडेड होता है उसमें. तो इस तरह से ऑडियो विजुअल एड्स हमने देख लिया. ठीक है, अब विजुअल जो है ना, दृश्य वाले हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं. तीन टाइप्स हमने देख लिया, मुद्रित है, एक प्रक्षेपित है, अप्रक्षेपित है. ठीक है, प्रिंट, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड. ठीक है, इसका अर्थ भी समझेंगे और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. सबसे पहला हम लोग देखते हैं विजुअल के अंडर में, सबसे फर्स्ट है हमारा प्रिंट. ठीक है, जो मुद्रित हो या प्रिंटेड हो. ठीक है, जिनको प्रिंट किया जाए, मुद्रित हो पन्ने पर, वो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंट एड बोलेंगे. ठीक है, सबसे पहला है हमारा टेक्स्ट बुक, जो पुस्तक के हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस में आ जाएगा, मुद्रित में आ जाएगा. ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज बच्चों को दिखा रहे हैं तो वो भी क्या आ जाएगा, मुद्रित में आ जाएगा. फिर उसके बाद देखिए मैगजीन, मैगजीन कहने का मतलब है पत्रिका, पत्रिका भी क्या होती है, प्रिंटेड फॉर्म में होती है, तो वो हो गया. फिर न्यूज़पेपर, अखबार, तो हमें थोड़ा एग्जांपल बस याद कर लेना है कि टेक्स्ट बुक, डॉक्यूमेंट, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये सब मुद्रित एड्स हैं, मुद्रित सामग्री हैं, जो कि विजुअल में, दृश्य एड्स में आती हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टेड एड्स. प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड का हिंदी क्या हुआ हमारा, प्रक्षेपित हुआ. एग्जाम डेफिनेशन देखिए, जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत पड़े. ठीक है, मशीन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं. ठीक है, और सिर्फ वो देखने के लिए है, सुनने के लिए नहीं है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स कह देते हैं. ठीक है, जैसा कि देखिए स्लाइड्स, हम क्या कर रहे हैं, कोई मशीन का यूज़ करके क्या कर रहे हैं कि स्लाइड्स दिखा रहे हैं बच्चों को, तो वो क्या हो गया, प्रोजेक्टेड हो गया. ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, तो इसमें भी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है, तो ये हमारा प्रोजेक्टेड एड्स में आ गया. मोशन पिक्चर्स, ठीक है, जिसमें कि साउंड नहीं होता, मोशन पिक्चर्स बस क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो सिर्फ हम स्क्रीन पे मशीन के द्वारा दिखाते हैं, तो वो भी क्या हो गया, मोशन पिक्चर्स भी किस में आ गया, प्रोजेक्टेड एड्स में आ गया. फिल्म स्ट्रिप्स भी वही है, इपीडिया स्कोप भी वही है. ठीक है, इपीडिया स्कोप भी इस एक तरह का मशीन ही समझिए, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पर दिखाते हैं. ठीक है, तो बस इतना हमें याद रख लेना है. प्रोजेक्टेड एड्स किसको बोलते हैं, जिसे हमें प्रदर्शित करने के लिए क्या मशीन की ज़रूरत पड़े, स्लाइड्स. ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर को OHP भी शॉर्ट में बोला जाता है. फिर मोशन पिक्चर्स, फिल्म स्ट्रिप्स और इपीडिया स्कोप भी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं. नॉन प्रोजेक्टेड एड्स का मतलब है अप्रक्षेपित, जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है. जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं है वो क्या हो गया, नॉन प्रोजेक्टेड. प्रोजेक्टेड में हमने पढ़ा कि मशीन के द्वारा स्क्रीन पे क्या किया जा सके, जिसे प्रोजेक्ट किया जा सके, दिखाया जा सके, वो हो गया प्रोजेक्टेड. नॉन प्रोजेक्टेड उसी का जस्ट उल्टा, जब हम मशीन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में देखिए, सबसे पहला है चार्ट्स. ठीक है, चार्ट्स भी हमारा क्या हो गया, इसमें क्या हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं चार्ट्स बच्चों को दिखाने के लिए, नहीं. ठीक है, फिर पोस्टर्स में भी वही बात है. फिर मैप्स, मानचित्र जो हम दिखा रहे हैं. फिर ग्राफ, कोई ग्राफ बच्चों को दिखा रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद
ब्लैकबोर्ड, तो ब्लैकबोर्ड से क्वेश्चन पूछता ही है कि नॉन प्रोजेक्टेड एड में आएगा. बिल्कुल नॉन प्रोजेक्टेड एड में आएगा. क्यों? क्योंकि जब हम ब्लैकबोर्ड पे बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या हम कोई मशीन का इस्तेमाल करते हैं? क्या नहीं, मशीन का इस्तेमाल हम नहीं करते. तो ब्लैकबोर्ड हमारा क्या हो गया, नॉन प्रोजेक्टेड एड में आया. फिर वाइट बोर्ड रखिए, उसके बाद ग्लोब, ग्लोब जो हम दिखाते हैं उसे भी, वो भी क्या हमारा किस में आएगा, नॉन प्रोजेक्टेड में आएगा. और कोई मॉडल्स बच्चों को दिखा रहा है, ठीक है. मॉडल्स कहने का मतलब क्या है कि कोई एक चीज़ जो बड़ी है उसे समझाने के लिए उसी का हूबहू क्या करना, मॉडल बनाना. और वो मॉडल बनाने के लिए जब हम क्या करें, किसी भी मशीन का उपयोग ना करें, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, नॉन प्रोजेक्टेड एड में आ जाएगा, ठीक है. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो. हमने विजुअल को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया. प्रिंट, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड, ये तीनों ही किस में आते हैं, विजुअल एड्स में आते हैं, ठीक है. सब में हम लोग सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं. अब हम लोग कुछ MCQs लगा लेते हैं, ठीक है. MCQs सबसे पहले देखिए, चॉक बोर्ड इज़ अ काइंड ऑफ एड, ठीक है. मतलब मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ, स्पेस इधर बची नहीं थी इसलिए मैंने इंग्लिश में ही बस लिख दिया, ठीक है. चॉक बोर्ड इज़ अ काइंड ऑफ, जो हम लोग श्याम पट इस्तेमाल करते हैं या ब्लैक बोर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह का एड है, तो बताइए क्या है ये. ऑडियो विजुअल है, विजुअल है, प्रोजेक्टेड है या फिर ऑडियो है, ठीक है. तो ऑडियो विजुअल तो सुनना और देखना दोनों है. विजुअल सिर्फ जब हम देखते हैं, तो चॉकबोर्ड को क्या बच्चे करते हैं, बस देखने का, देखने के लिए हेल्प होती है. तो यहाँ पे चॉकबोर्ड क्या हो जाएगा, हमारा आंसर विजुअल ही हो जाएगा, ठीक है. प्रोजेक्टेड के बारे में हमने पढ़ा, जिसको मशीन से क्या करें हम लोग दिखाएँ स्क्रीन पर, तो ये क्या हो जाता है, प्रोजेक्टेड होता है. तो क्या श्यामपट होगा, क्या नहीं होगा. फिर ऑडियो, तो ऑडियो तो बस सुनने वाला हो गया, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, विजुअल, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल जिसमें कि सुनने की भी बात हो रही है और विजुअल देखने की भी बात हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा, टीवी होगा, बुक होगा या फिर लिंगुआ फ़ोन होगा, ठीक है. तो सबसे पहले लिंगुआ फ़ोन को हम लोग देखते हैं. लिंगुआ फ़ोन क्या था, जिसमें कि हम लोग सुनने की बात करते हैं. बच्चों को क्या इसे सिखाया जाता है, लैंग्वेज और प्रोनंसिएशन सिखाई जाती है लिंगुआ फ़ोन से, ठीक है. तो ये तो ऑडियो विजुअल्स में, सॉरी ऑडियो एड्स में आ गया. बुक हमारा क्या आ जाएगा, और बुक हमारा आ जाएगा विजुअल एड्स में, क्योंकि विजुअल के अंदर ही क्या आता है, हमारा प्रिंटेड एड आता है. तो बुक आ जाएगा हमारा विजुअल एड में. और टीवी किस में आ जाएगा, ऑडियो विजुअल दोनों में आ जाएगा, ठीक है. तो सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ रियल ऑब्जेक्ट्स, द बेस्ट टीचिंग एड विच कैन बी यूज इन प्लेस, इन प्लेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. इसका मतलब ये है कि जब पॉसिबल ना हो कि रियल ऑब्जेक्ट को हम लोग दिखा सकें, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट को जब दिखाना पॉसिबल ना हो, तो सबसे बेस्ट टीचिंग एड कौन सा होगा, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, उन रियल ऑब्जेक्ट्स जो हम दिखाना चाह रहे हैं उसके स्थान पर सबसे बेस्ट टीचिंग एड कौन सा होगा, ठीक है. ऑप्शन देखिए, पिक्चर्स, चार्ट्स, मॉडल्स या फोटोज़, ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ आंसर होगा मॉडल्स. मॉडल्स क्यों होगा, क्योंकि मॉडल्स क्या होता है कि किसी भी, कोई भी चीज़ जो हम दिखाना चाह रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी फंक्शन अगर हम बताना चाह रहे हैं, मान लो कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र हम बताना चाह रहे हैं बच्चों को, तो वो हम लोग क्या ऐसे रियल में दिखा सकते हैं क्या, बच्चों को नहीं दिखा सकते, ठीक है. उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं, ठीक है. मॉडल से उनको क्या होता है, समझाना बहुत ही आसान होता है. तो यहाँ पर बोला गया द बेस्ट टीचिंग एड, सबसे बेस्ट सर्वोत्तम बताइए. तो पिक्चर्स, चार्ट्स, फोटोज़, ये सब का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल 3D में, जिससे कि बच्चे सीख पाएंगे, वो क्या है, हमारा मॉडल है, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है. तो फोर्थ का आंसर आप लोग दे दीजिएगा, इनमें से कौन सा प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड एड है, ठीक है. तो ऑप्शन है हमारा ग्लोब, ब्लैकबोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है. इसमें से कौन सा प्रोजेक्टेड एड है वो आपको बताना है, ठीक है. तो ये आप लोग कमेंट करोगे नीचे, सॉरी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, फोर्थ का आंसर. अब हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड, ठीक है. इनमें से कौन सा प्रोजेक्टेड एड में नहीं आता है. तो पहला देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्शन. ओवरहेड प्रोजेक्शन के बारे में हमने क्या देखा था कि इसे क्या किया जाता है, स्क्रीन पर हम क्या करते हैं, मशीन के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है. तो ओवरहेड प्रोजेक्टर तो होगा नहीं, प्रोजेक्शन होगा नहीं, ठीक है. फिर उसके बाद ब्लैकबोर्ड है. ब्लैकबोर्ड किस में आता है, सिर्फ विजुअल में आता है. उसमें हम लोग किसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, तो वो प्रोजेक्टेड एड में नहीं आएगा. तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, ठीक है. और नेक्स्ट देखिए, मोशन पिक्चर. मोशन पिक्चर को भी मशीन के थ्रू हम लोग दिखाते हैं, ठीक है. स्लाइड्स भी हमने देखा था कि मशीन का इस्तेमाल करके किसी पर्दे पर, किसी स्क्रीन पर दिखाना बच्चों को, तो वो क्या हो जाएगा, ये भी प्रोजेक्टेड में आएगा. तो इसमें सिर्फ नॉन प्रोजेक्टेड या फिर जो प्रोजेक्टेड एड नहीं है वो क्या है, ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है. अब यहाँ पे आप लोग प्रोजेक्टेड एड का जब हिंदी देख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या दिया हुआ है, अनुमानित सहायता संबंधित
नहीं है, अनुमानित, ठीक है, ये वर्ड दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं जो भी हिंदी में प्रेफर करते हैं ज़्यादा पढ़ना, ठीक है, तो उनको मैं कहूँगी कि इंग्लिश में ही आप लोग कुछ कुछ वर्ड्स याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि हिंदी में क्या होता है ना कि वर्ड्स अलग अलग यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, प्रक्षेपित पढ़ा, ठीक है, इसी प्रक्षेपित पढ़ा, यहाँ पे वो लोग अनुमानित सहायता संबंधित इस तरह यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इंग्लिश वाले वर्ड्स को भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प ब्लैंक्स स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो किस तरह के स्टूडेंट्स को क्लास में मदद करते हैं, स्लो लर्निंग, इंटेलिजेंट, प्लेफुल, क्यूरियस, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल, ऑडियो वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो किन बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद होगी, जो स्लो लर्निंग स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको देगा ऑडियो विजुअल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शिक्षण सामग्री के समूह या श्रेणी में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जाता है। ब्लैक बोर्ड किस में शामिल किया जाता है बताइए, क्या ऑडियो एड्स में, क्या हम सुनते हैं ब्लैक बोर्ड से, नहीं, विजुअल एड्स, क्या हम उसे देख करके समझते हैं, बिल्कुल, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑडियो विजुअल तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, विजुअल एड्स हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये ब्यूटीफुल और एकदम छोटा सा प्यारा सा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप इससे आप लोगों के एक दो क्वेश्चन बने और आप लोग आराम से बना करके आओ एग्ज़ाम में। तो इसी तरह से पढ़ते रहना है और आप लोगों को आज मैं 2 से 3 वीडियोस और दूंगी, ठीक है, जिसमें कि हम लोग ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जिस जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से, वो सब मैं बता दूंगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।